हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी रियल टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली मेट्रो कार्ड के बारे में। डिटेल में जानेंगे कि कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस होता है, कितना रुपया मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, कौन सा मेट्रो स्टेशन पर, ये सब बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैंने पहले वीडियो बनाया उसमें कमेंट में आ जाते हैं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का आंसर दे पाऊँ या फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपका पूरा सॉल्व कर सकूँ। वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके फिर से आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा वीडियो और भी लोगों के पास जाएगा, नहीं तो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंचता हमारा वीडियो, कम सब्सक्राइबर है इसलिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल आता है, मेट्रो कार्ड मिलेगा कहाँ कहाँ, कौन कौन सा मेट्रो स्टेशन पर मिलेगा? तो ये बिल्कुल सभी मेट्रो स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे। किसी भी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर चले जाइए, आपको वहाँ पर एक काउंटर अलग दिखा जाएगा, वहाँ पर आप लिखा हुआ दिख जाएगा, मतलब कि यहाँ पर दिल्ली मेट्रो कार्ड मिल सकता है, स्मार्ट कार्ड जिसे बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जाके वहाँ पर जाके ले सकते हैं। फिर प्रोसेस आता है कि उसमें मिलेगा किसको किसको, कोई ऐसा तो क्राइटेरिया तो नहीं है ना कि मतलब एलिजिबल होना चाहिए उसी को मिलेगा या फिर सबको नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जाइए, पैसा दीजिए और कार्ड लीजिए, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई क्राइटेरिया वगैरह नहीं, आप जाके आसानी से ले सकते हैं। फिर आता है बात कि कितना रुपया लगेगा और मतलब कि कितने दिन के लिए वैलिडिटी होगा ऐसा कुछ। तो रुपया 150 रुपया आपको लगेगा और वैलिडिटी इसका कुछ नहीं होता है। वैलिडिटी आपको मतलब कि आप ख़राब नहीं करना है, आपको मतलब कि उसको तोड़ना वगैरह नहीं है। फिजिकल डैमेज अगर करोगे तो ख़राब हो जाएगा, आपका बैलेंस भी चला जाएगा, तो आपको फिजिकल डैमेज नहीं करना है। आप खो देते हो तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो आपको, मतलब कि इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर में आई बटन में आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो उसमें खो जाने के बाद क्या होता है, आप जाके देख सकते हो। तो ये सब नहीं करना है, खोना नहीं है उसको, फिजिकल डैमेज नहीं करना है, आपको आराम से यूज करने में कन्वीनियंट होगा। 150 रुपये आपको लिए जाएंगे, 150 रुपये में से आपको 50 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत रखे जाएंगे। जब आप कार्ड वापस करेंगे तब आपको वापस हो जाएगा 50 रुपया और 100 रुपया आपका बैलेंस में ऐड हो जाएगा, आप उसे यूज कर सकते हो मेट्रो ट्रैवल के लिए। फिर आता है बात कि मतलब ट्रैवल में क्या फ़ायदा क्या होगा स्मार्ट कार्ड लेने से। तो स्मार्ट कार्ड लेने का बहुत फ़ायदा है, जैसे कि मैं बता दूँ कि आप किसी रूट पर ट्रैवल कर रहे हो, उसका फेयर अगर मतलब किराया अगर 30 रुपया है तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, ये नॉर्मल डे के दिन। अगर आपको 30 रुपया किराया है तो उसमें आपको 3 रुपया का लेस हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर आप डेली ट्रैवलर हो तो आपका 3-3 रुपया करके बहुत बार बचेगा, तो आप सोच सकते हो मतलब अच्छा फ़ायदा है। ये तो हो गया नॉर्मल डे का। फिर आता है संडे या फिर हॉलीडे, जो इंटरनेशनल हॉलीडे नेशनल हॉलीडे रहता है उस दिन के लिए होता है कि आपको 20% डिस्काउंट हो जाता है। लोग अगर 30 रुपये का चार्ज है तो उसमें 6 रुपये डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, तो यही बहुत अच्छा फ़ायदा है कि संडे वगैरह को एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिए जाते हैं। फिर आता है टाइम कि कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा क्या, हमारा ज़्यादा टाइम कंजम्पशन हुआ क्या वहाँ पर कार्ड लेने में। तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, अगर वहाँ पर क्यू है मतलब लाइन अगर लगे हुए हैं और भी लोग तो लाइन में आपको खड़ा हो जाना है, अगर लाइन नहीं है तो आप जाके ले सकते हो, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कार्ड मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगला सवाल आता है कि क्या कार्ड लेना भी ज़रूरी है मेट्रो में, स्मार्ट कार्ड लेना ज़रूरी है? तो कुछ दिन के लिए अभी ऐसा हुआ था कि बस स्मार्ट कार्ड लेना ज़रूरी है, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि अब ज़रूरी नहीं रहा, तो हाँ उस समय जब मैं वीडियो बनाया था उस समय के लिए ज़रूरी था, उसके बाद मतलब कि रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे। आप जाकर टोकन भी ले सकते हो, अभी आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि स्मार्ट कार्ड आपके पास रहेगा तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि आपको टोकन वाले लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा बार बार, आप सीधे जाके टच करोगे उसे, मतलब अपना स्मार्ट कार्ड शो करना वहाँ पर मशीन के पास, आप एंट्री ले लोगे, उसमें आपको मतलब लेट नहीं जाएगा, मतलब आपका टाइम नहीं ख़राब होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इसको रिचार्ज कहाँ से करेंगे, मतलब कार्ड में बैलेंस कहाँ से आएगा, क्या कैश से हो जाएगा या फिर नहीं? तो कैश लिया जाता है, अगर कार्ड ले भी रहे हो उसमें भी कैश देकर आप ले सकते हो कार्ड, या फिर मतलब अगर कार्ड में रिचार्ज भी करवाना है तो एक मशीन लगा हुआ रहता है हर एक स्टेशन पर, ऑलमोस्ट हर एक स्टेशन पर लगा हुआ रहता है मेट्रो टॉप अप रिचार्ज करके एक मशीन रहता है, तो उसमें जाके आप डाल सकते हो अपना कार्ड को। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा कि मतलब कितना रुपये का रिचार्ज करना है, उसके बाद आप उसके हिसाब से अपना करेंसी नोट डाल सकते हो, अगर 100 रुपये करना है तो 100 रुपये करेंसी नोट डाल रहे हैं, उसमें अच्छा नोट अगर रहेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा और रिचार्ज आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा मेथड है ऑनलाइन रिचार्ज का, ऑनलाइन रिचार्ज आप घर से ही कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जाना ही पड़ेगा मेट्रो स्टेशन पर, पेटीएम या फ़ोनपे से आप रिचार्ज कर लो मोबाइल से, उसके बाद आप स्टेशन पर जाओ और एक टॉपअप मशीन अलग रहेगा, छोटा सा मशीन रहेगा, उसमें जाके आपको कार्ड को टच करना है, वहाँ पर रहेगा टॉपअप माई कार्ड का ऑप्शन, वो जाके क्लिक कर देना, वन क्लिक करना आपका कार्ड में बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो आसानी से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप यहाँ तक देखें वीडियो तो आपको अच्छा ही लगा होगा।
अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे में बताइए ज़रूर कमेंट करके कि कहाँ आपको ख़राब लगा वीडियो या फिर कहाँ पर नहीं अच्छा लगा, मैं उसे पूरा सुधारने का कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।